सरस्वती विहार गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जो कि सरस्वती विहार के उस मेन रोड पर स्थित है जहां पर अथक प्रयास द्वारा संगत के अथक प्रयास द्वारा ये गुरुद्वारा निर्मित हुआ, जिसके अंदर आज गुरु हरकृष्ण साहब जी के जन्म उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उनके हमारे प्रधान सरदार भूपेंद्र सिंह जी और हमारी मैनेजमेंट टीम मिसेस ओबराय वगैरह और मिस्टर चोपड़ा तो उन सबकी प्रयास से और बलजीत सिंह जो कि हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, सज्जनों सकत्तर भी हैं और साथ में आज जो प्रोग्राम है उसके उद्देश्य में जिस तरह से कहते हैं कि हर गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कोड़ अपने आप धर लिया था और बगला साहब गुरुद्वारा उनकी याद में बनाया गया जहां पर सरोवर भी है और जहां के कोड़ी लोगों को काफ़ी इलाज होता है उनका अपने स्नान करने से, यानी कि दुख दूर करते हैं प्लस बीमारियों से दूर कराते, उसी तरीके से आज प्रधान साहब ने यहाँ पर आज सरस्वती विहार गुरुद्वारे में एक हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया मैक्स लैब के साथ मिलकर, और साथ में सेवा जो हमारे को मिल रही है वो मिस्टर अमित सिंह असिस्टेंट मैनेजर के रूप में मैक्स क्लो डेंटल क्लिनिक के तौर से और दूसरे डॉक्टर आकृति सिंह मिस्टर विशाल ये सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखिए किस तरह से स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पर जो सेवा की जा रही है सबसे पहले वो GDA निशा द्वारा, इसके बाद चलते हैं इलाज चल रहा है, देखिए फ्री चेकअप है साक्षी जो स्टाफ नर्स के रूप में आई हैं, उसके बाद हम पीछे की तरफ चलते हैं तो पूरा आयोजन किया गया है मैक्स क्लो डेंटल क्लिनिक का, देख लीजिए क्लोव के नाम से है, और इधर हम बल्ला साहब हमारे मेंबर जो कि अपना इलाज करवा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, इलाज क्या करवाने फ्री चेकअप है तो उसमें साथ निभा रही हैं आकृति सिंह BDS है डॉक्टर आकृति सिंह, मिस्टर विशाल टेक्नीशियन है यहाँ पर आज बल्ला साहब ये बताइए आप आज अपना गुरुद्वारे सरस्वती विहार के अंदर जो मैनेजमेंट ने यहाँ पर आयोजन किया है गुरुपुरु के रूप में गुरु हरकृष्ण साहब जी का, उसके दौरान जो सेवा गुरु हरकृष्ण साहब जी करते थे संगत की या लोगों की वही उपाय लेकर अभी हम यहाँ आज प्रधान साहब ने एक मैक्स कंपनी द्वारा जो कैंप लगाया है फ्री कैंप उसमें आप शरीक हुए हैं, आपको कैसा अनुभव ले रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और जो फ्री कैंप प्रधान साहब ने लगवाया है हमारा में गुरु हरकृष्ण साहब जी के जन्म दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में जो है, और जैसे पहले होता था आज भी जो है ऐसे ही हो रहा है, और यहाँ के जो भी मैनेजमेंट ने काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। आपके जब आप अपना इलाज करा रहे हैं उसमें डॉक्टर आकृति है, यहाँ डॉक्टर आकृति बैठे हैं BDS है, आपसे वो आपका वो ट्रीटमेंट कर रही है, आप उनसे सलाह ले रहे हैं, इन डॉक्टर के साथ आपको बात करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छा ये जो है ट्रीटमेंट का भी एडवाइस बहुत बढ़िया दे रहे हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर आकृति आप मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से हैं, मैक्स लैब की तरफ से, मैक्स क्लोव की तरफ से हैं, मैक्स नाम कॉमन है, आई होप कि जहाँ पर टेस्ट भी फ्री किए जा रहे हैं लोगों की सेवा की जा रही है उसी तरह से आप भी आज डेंटल क्लिनिक के उपलक्ष्य में यहाँ क्लो के नाम से जब आए हैं तो अभी तक जब से आप बैठे हैं सुबह से यहाँ पर अभी तक कितने
आपके पास मरीज़ आ चुके हैं, मरीज़ कह लीजिए, संगत कह लीजिए, अपना इलाज कराने के लिए जो आए हैं, कितने लोग आ चुके हैं? 10-15 लोग आ चुके हैं। तो आप ऐसा क्यों, मतलब ये सेवा भाव से कर रहे हैं या किसी मैक्स कंपनी ने कुछ एडवाइस किया है? सर, सेवा भाव तो है ही, स्पेशली अवेयरनेस के लिए होता है ये, क्योंकि बहुत बार लोगों को पता भी नहीं होता उनको क्या ज़रूरत है, तो उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, ताकि उनको फर्दर आगे प्रॉब्लम ना आए, अगर पहले ही स्टेज पे प्रॉब्लम पता चल जाए तो बेटर रहे। आप रेगुलर जुड़े हुए हैं या इंटर्नशिप कर रही हैं? मैं जॉब कर रही हूँ उनके साथ। जॉब कर रही हैं, धन्यवाद आपका। तो आप अभी तक अपना कोई ऐसा अचीवमेंट्स बताएं जो अभी तक आपने अपने इस टाइम पीरियड के अंदर किया। सर, अचीवमेंट्स यही हैं कि काफ़ी लोग हमें मिले जो ऐसे ही आते रूटीन चेकअप के लिए, बट उनको पता चला कि उनको सीवियर इशू था, वो क्लिनिक गए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने फीडबैक दिया कि वो काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से कि हमने पहले ही डायग्नोज कर लिया। तो हम ऐसे कैंप्स इसीलिए लगाते रहते हैं ताकि सीवियर प्रॉब्लम पहुंचने से पहले लोगों को पता चले। देखिए, महेंद्र सिंह जी हैं, ये चाय की सेवा कर रहे हैं, गुरुद्वारे के अंदर हैं, चाय जलपान की सेवा लगातार चल रही है, और यहाँ डॉक्टर साहब हमारे दांतों की सेवा कर रही हैं, चेकअप कर रही हैं। तो इस तरह से हमारे जो असिस्टेंट टेक्नीशियंस भी साथ बैठे हैं, विशाल, वो भी पूरा साथ निभा रहे हैं अपने इस क्लिनिक का। और इधर अमित से बात करते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में यहाँ पहुँचे हैं। मिस्टर अमित, आप मैक्स क्लोब डेंटल चेन से आए हैं? क्लोब डेंटल, मतलब मैक्स वर्ड नहीं है इसमें? मैक्स नहीं सर, मैक्स। अच्छा, वो डिफरेंट है, चलो एनीवे कोई बात नहीं। अब आज मैक्स के साथ है तो सब मैक्स ही हो गया, सब मिक्स हो गया, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। एक सर, हम छोटा सा एसोसिएट होके ना एक छोटा सा हेल्थ चेकअप कैंप प्लान करते हैं, जिसमें कि मैक्स हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, कुछ क्लोब डेंटल प्रोवाइड करता है, कुछ मैक्स लैब है, हमारी मैक्स लैब भी हमारे साथ एसोसिएट है, वो भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा कैंप हो जाता है, लोगों को फ्री टेस्ट मिल जाते हैं, और एक हमारी एक एक्टिविटी हो जाती है, एक सेवा हो जाती है लोगों के लिए। और कीर्तन भी साथ साथ चल रहा है, वो पब्लिक के लिए सेवा है, कीर्तन सुन रहे हैं, और इधर आपकी सेवा है, आप पब्लिक को कुछ करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें ठीक करने के उद्देश्य से आए हैं जी। और आज का दिन भी आपने अच्छा चुना है अपने प्रधान साहब की वजह से, कि गुरु अर्कृष्ण साहब जी का ये जन्मोत्सव है, उन्होंने भी लोगों के कोड़ों को दूर किया था, कोड़ दूर किए थे, उनकी भी लोगों की भी सेवा बहुत की थी, दुख दूर किए थे। तो दुख दूर करने का तरीका अलग अलग है सबका। मैं सर अभी यहाँ पे 15 डेज पहले मैं यहाँ पे विजिट किए मैंने, तो सर से मैं बात की थी मैंने, यहाँ बलजीत जी हैं, बलजीत सिंह जी, उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने सर से मिलवाया था, तो यहाँ पे प्रधान जी हैं उनसे मिलवाया उन्होंने, देन वहाँ से ये सारा फॉलोअप लेते लेते ये फाइनल हुआ कि आप 4 तारीख को कर लो, एक काफ़ी अच्छा दिन है। तो अभी तक आपका अनुभव क्या रहा अभी तक सुबह से लेकर अब तक? क्योंकि कीर्तन 1.5 घंटे का कीर्तन है, उसके बाद लंगर है सर, तो वो भी एक अच्छा, सेवा के रूप में जाएगा। काफ़ी अच्छा फुटफॉल मिल रहा है धीरे 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 धीरे, लोग देखिए आप अगर दिखाना चाहें। आपके अपने क्लिनिक कहाँ कहाँ हैं? सर ऑल ओवर इंडिया में है, नियर बाय जो हमारा क्लिनिक है क्लोब का, ये आपका बगल में ही है, ये मंदिर के साथ में जो छोटा सा शिव मंदिर है उसके बगल में ही। तो ये हमारे जितने भी आप देखिए प्रोग्राम चल रहे हैं, धन्यवाद अमित जी आपका।